पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार अपने लाभ लश्कर के साथ भोपाल पहुंचे और भाजपा की सदस्यता ली। उनके साथ इंदौर के नेता पंकज संघवी ने भी कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एमपी में सबसे ज्यादा मोदी का परिवार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हर रोज बड़े झटके लग रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार आज बीजेपी में शामिल हुए। भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने अंतर सिंह और कांग्रेस के सीनियर लीडर पंकज सिंघवी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर भाजपा की न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी बीजेपी दफ्तर में मौजूद रहे। बताते हैं कांग्रेस के अधिकांश नेता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से नाराज चल रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है। मैं उसका एक उदाहरण हूं कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। हम सबका सौभाग्य है, हमारा परिवार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बढ़ रहा। जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है तो स्वाभाविक रूप से हम सबको भी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के एक प्रमुख दल और हमारे अपने मध्य प्रदेश में तो एक तरह से ये एक अभियान चल रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा परिवार कहीं बढ़ रहा है सभी राज्यों में, तो हमारा मध्य प्रदेश ताजा हो जाए। जिस तरह से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भाजपा से जुड़ रहे हैं, इससे लगता है कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। भाजपा में शामिल हुए नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों की जमकर तारीफ की और कहा कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। निश्चित रूप से मुझे मेरे मन में महू विधानसभा का विकास अधूरा है और उसको पूरा करने के लिए, चूंकि कैलाश जी को वहाँ की भौगोलिक स्थिति का पता है, मेरे अच्छे मित्र हैं, तो हमारी विधायक है, इनसे सबसे मिल करके, खास करके नर्मदा जी की एक योजना है जो महू के किसानों को महू की नदियों में पानी लाना है, उन सब बातों को लेकर निमंत्रण आया सामने, हम सर माथे पे लगा के वो नहीं भी गए तो उनको भाई आपको नहीं जाना था या समय का अभाव था या जो भी आपकी थी परिस्थिति, पर बोल करके कि हम इसको निमंत्रण को जो है वो ठुकरा रहे हैं, ये गलत, सबको ठेस पहुँचेगी, किसी को भी, एक आम आदमी को भी ठेस पहुँचेगी जो भगवान राम में आस्था रखता है। अब तो आपके क्षेत्र से अध्यक्ष बन गए कांग्रेस के, फिर भी आप लोग छोड़ डेफिनेट रूप से उनका जो काम है वो एक अलग ही टाइप का काम है, क्योंकि वो जो है अपने आप को राहुल गांधी जी से कम नहीं समझते। हमने 22 तारीख को इंदौर के सारे अखबारों में एक एक पेज के विज्ञापन लगाए, आप देख सकते हैं, हमें जिनने विरोध करना था उनने किया, लेकिन हमारी आस्था भगवान राम जी में थी और हम लोगों ने सबने उस विज्ञापन में सहयोग किया, साथ में रहे और हम भगवान राम सबके आराध्य है, इसलिए हम उन सबका सम्मान करते हैं जिन्होंने साथ दिया हमारा। मैं जब लोकसभा लड़ा तो हेलीकॉप्टर लेके पूरे प्रदेश में घूमते रहे, खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं किया, तो अब क्या दिक्कत है, अब लड़ लो ना, हमारे बीडी शर्मा जी लड़ते हैं, इससे उनको भी लड़ना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।